स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिक्स लेक्चर ऑफ आवर क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। सो हम बायोलॉजी का फोर्थ लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और हमने क्या है, बेसिस क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए हुए हैं किसके, एनिमल्स के। और अभी तक हम क्या है, फाइव बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, जो क्या क्या थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सिमेट्री, आपकी बॉडी कैविटी, आपका सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है जी। सो आज हम पढ़ रहे हैं बॉडी प्लान। जो शेप और साइज है एनिमल्स का, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। आपने देखा होगा जिराफ कितना लंबा होता है, उसकी गर्दन लंबी है, छोटी छोटी कीड़ी भी हैं इस किंगडम के अंदर, और बड़े बड़े विशाल का है, हाथी भी हैं। तो शेप और साइज में क्या है, वैसे ही फिशेज देख ली, बिल्कुल छोटी सी फिश भी होती है आपकी पाल्म जितनी, हथेली जितनी, और एक शार्क भी होती है सिर्फ जितनी बड़ी। सो जो एनिमल्स की इनका शेप और साइज है, ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, डाइवर्सिटी शो करता है, विभिन्नताएँ शो करता है। और इन्हीं बेसिस पे क्या है, बॉडी प्लान जो है वो थ्री टाइप्स का है। पहले एक बार समझ लेते हैं, देन इसको लिखेंगे कि बॉडी प्लान क्या है, थ्री टाइप्स का होता है। तो एडवांस बॉडी प्लान से बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जो एडवांस बॉडी प्लेन है, जो सबसे एडवांस बॉडी प्लेन है, जो इसकी फर्स्ट टाइप में आपको पहले एडवांस बताऊंगा, ठीक है जी। एडवांस बॉडी प्लेन में क्या होता है कि देखिए, हम अपने शर्मा जी के लड़के को बना लेते हैं। ये हमारे शर्मा जी के लड़के हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं आज, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बॉडी प्लान है कॉर्डेट्स के अंदर, हमारे अंदर, ठीक है जी। ये कैसा होता है, माउथ के अंदर एक पाइप होगी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल बना लेते हैं उसको। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो कहाँ, माउथ से स्टार्ट होकर और कहाँ खुलती है, नीचे एनस में, नीचे एनस में। ये क्या है, माउथ, और ये क्या है, एनस। और जो बॉडी कैविटी है मीजोडर्म, ठीक है जी, और बॉडी वॉल के बीच की जो कैविटी है, यहाँ से थोड़ा शेप सी गलत बन गई थी बच्चों, ये बॉडी कैविटी है। इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरी रहती है। क्या है, फ्लूइड, फ्लूइड भरी रहती है। क्या भरी रहती है, फ्लूइड। ये वॉलिंग मैंने ये कर दी है, ठीक है जी। तो अब एक ट्यूब तो आपकी ये वाली होगी, ठीक है जी, और दूसरी ट्यूब होगी आपकी ये वाली एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या है, ट्यूब इन ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, कि ट्यूब के अंदर ट्यूब वाली बॉडी प्लान। कि इसमें एक ट्यूब तो ये हो गई जो बॉडी कैविटी है के अंदर है, ये हमारी ट्यूब, और एक ट्यूब है ये माउथ, ठीक है जी, एलिमेंट्री कैनाल वाली ट्यूब। तो इससे क्या होगा, हमारा फूड अंदर आता है, फूड अंदर आता है, और यहाँ पर क्या, डाइजेशन होके जो भी क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सब का बॉडी कैविटी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन,
डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या बाकी क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, एनस के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो जिसके अंदर एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होगी, किस, ठीक है जी, जिस बॉडी प्लान में एक ट्यूब के अंदर एक तो हमारी बॉडी कैविटी, उसके अंदर दूसरी ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल वाली, जिसके अंदर ट्यूब के अंदर ट्यूब होगी उसको कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। और इस ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर क्या है, क्या एलिमेंट्री कैनाल की क्या रहेंगी, दो ओपनिंग रहेगी। कैसे, दो ओपनिंग रहेगी, माउथ जहाँ से क्या होगा फूड का इनटेक, और एनस जहाँ से क्या होगा एक्सक्रीटरी वेट्स का आउटटेक, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इजेशन के लिए है, जिसके अंदर क्या है सिंगल ओपनिंग, एक ओपनिंग तो क्या कर रही है माउथ का काम कर रही है, एंड सेकंड ओपनिंग किस चीज़ का काम कर रही है, दो ओपनिंग होती है ड्यूल ओपनिंग, ठीक है जी। ट्यूब के अंदर वन इज एक्टिंग फॉर फॉर इंजेशन एंड सेकंड इज एक्टिंग फॉर इजेशन, एनस इजेशन। तो इसको कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है जी। और ये अब बात आती है पाया किस में जाता है, ये हायर एनिमल्स जो आपके क्या है हायर एनिमल्स है, जैसे कि किससे, एस्की हेलमेंथिस यानी राउंड वर्म्स, क्या आए थे इनमें, राउंड वर्म से लेके कॉर्डेट्स तक, राउंड वर्म से लेके कॉर्डेट्स तक क्या पाया जाता है आपका, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, ठीक है जी, एस्की हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है जी। डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन फिर क्या होगा एक्सक्रीशन, माउथ के थ्रू क्या होगा इजेशन, ठीक है जी, डाइजेशन सॉरी इंजेशन होगा, और एनएस के थ्रू इजेशन होगा। देन आता है, अब इससे हम नीचे जाएंगे तो हम किसकी बात करेंगे, एस्की हेलमेंथिस से नीचे किसकी बात करते हैं, एस्की हेलमेंथिस से नीचे हम बात करते हैं आपका, देखिए सबसे पहले तो नाइडेरिया, अब नाइडेरिया आएगा तो इनके भाई भी साथ ही आएंगे, इनके टीनोफोरा, एंड देन प्लेथी हेलमेंथिस, प्लेथी हेलमेंथिस, ठीक है जी। तो इनके अंदर क्या होता है, जो हमारा सेकंड है, सेकंड को कहते हैं ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक प्लान। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनके अंदर क्या होता है कि बच्चों मान लीजिए आपका क्या है हाइड्रा है, क्या है हाइड्रा, ठीक है जी, ये आपका हाइड्रा, ये उसके टेंटेकल्स, तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है, वो बजाय सीधी जाके दूसरे एंड पे एनस नहीं खुलता उसका, बल्कि उसमें क्या होता है एक सीधी ट्यूब आती है और वही घूम के उल्टी माउथ के साथ अटैच हो जाती है, वही माउथ के साथ अटैच हो जाती है। यानी इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसे कैसा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, इसके अंदर क्या शो नहीं होता, एनस अलग से शो नहीं होता। तो सोच के देखो बच्चों कि उसी मुंह से तो ये क्या है खाना खा रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, देन उसी खाने का क्या एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को उसी मुंह से वो बाहर निकाल रहे हैं, कितनी यानी क्या कर रहे हैं, उसी से क्या अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो उसको क्या कहते हैं, जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर टिश्यू है या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनलीज नहीं है, इसी कारण इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो जिसके कारण क्या है, सिंगल ही ओपनिंग है इनके अंदर,
ठीक है, उसी मुंह से तो ये खाना खा रहे हैं और वही मुंह इनका एनएच का फंक्शन कर रहा है, उसी मुंह से अपना जो मल मूत्र है जो ठीक है जी एक्सक्रीटरी वेट है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है जी, सिंगल ओपनिंग, ठीक है जी, ओपनिंग एक्ट हैज माउथ एज वेल हैज माउथ की तरह भी और एनएच की तरह भी। देखो सोच के कितना खराब लगता है, ठीक है, तो ये काम ये करते हैं, तो इसको हम कहेंगे बॉडी सैक प्लान। अब एक बात कि इसके अंदर हमने एक बंदे की बात नहीं करी अभी तक, इसके अंदर भी नहीं करी, कौन थे वो, पोरीफेरा स्पंजिज, पोरीफेरा जो शो करते हैं बच्चों उसको कहते हैं सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है जी। अब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के अंदर क्या होता है, इसके अलावा मान लो जो ये लीवर फ्लू का आपका प्लेटी हेलमेंथिस, वैसे बड़े रुक के मारते हैं हम, ऐसे हैं वैसे हैं ये हैं वो है, बहुत एडवांस बनते हैं, पर इनके अंदर भी क्या है, ये लीवर फ्लू का इनके अंदर भी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो ऐसा होता है, ये सर्कुलर सा एलिमेंट्री कैनाल होता है और ये इसके माउथ ही क्या है, सिंगल ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल में और माउथ ही क्या एक्ट करता है, एक्ट एज एनस, एक्ट एज माउथ इज एक्ट एज एनस, एनस की तरह भी एक्ट करता है क्या, इसका माउथ, ठीक है जी। देन आता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है आपका वो शो करते हैं पोरीफेरन स्पंजिस, पोरीफेरा स्पंजिस, ठीक है जी। अब इनके अंदर क्या होता है, स्पंजिस के अंदर ये क्या है, मान लीजिए पोरीफेरा है,